नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पुलिस अब एनजीओ और महिलाओं के हित में काम कर रहे संगठनों के साथ मिलकर महिला अपराधों पर लगाएगी अंकुश। 3 माह तक चलेगा कार्यक्रम। इसके अलावा सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हुआ कार्यक्रम का आयोजन। 3 माह तक पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और एनजीओ के साथ मिलकर बनाई जाएगी योजना। गांधी आश्रम के स्वचिकित्सा शिविर में सांध्यकालीन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को हुआ नरकासुर का नाट्य मंचन। सीधी से आए हुए इंद्रावती नाट्य समिति के कलाकारों द्वारा किया गया भव्य मंचन। सिटी कोतवाली पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। 3 तारीख की रात नौशाद खान की लाठी और पत्थरों से हमला कर की गई थी हत्या। महर्षि स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 6 तक के बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न आकर्षक विज्ञान मॉडल। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। पुलिस अब महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कमर कस रही है। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ पुलिस के अधिकारी बल्कि एनजीओज और महिलाओं के हित में काम करने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया था और उनके विचार भी इस मौके पर लिए गए। जानकारी के मुताबिक सभी थानों के प्रधान आरक्षक, SI और महिला समितियों के प्रमुख, एनजीओ के लोग और इसके अलावा SP जयराज कुबेर, अंजना दुबे ट्रैफिक प्रभारी सहित वरिष्ठ समाजसेवी गायत्री परमार, मीरा सिंह महिला सेल प्रभारी, KPS परिहार व अन्य लोग उपस्थित थे। यहां बताया गया कि माह के पहले शनिवार और रविवार को इस तरह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ ये 3 माह तक इस तरह के आयोजन के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बात होगी और उस पर सक्रिय भूमिका निभाई जाएगी। महिला अपराधों पे महिला की संवेदनशीलता पे कार्यक्रम, 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये लगातार 3 माह तक चलने वाला है। महीने के शनिवार और रविवार को ये चलेगा। इसमें जो हमारे थाने के प्रधान अधीक्षक से लेकर इंस्पेक्टर तक के ऑफिसर हैं वो सम्मिलित होंगे और महिला अपराधों में क्या क्या सावधानियां, क्या क्या संवेदनशीलता रखी जाएंगी वो उनको बताया जाएगा। इसमें हमारे महिला डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और बहुत सारे NGO संगठन, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे पुलिस ऑफिसरों को जाना करेंगे। इस स्त्री जो अभियान चल रहा है महिलाओं अपराध के संबंध में जागरूकता विषय के लिए सेमिनार रखा गया था। इस 2 दिन का सेमिनार है आज और कल, ये लगातार 3 महीने हर सैटरडे और संडे को होंगे। उसी विषय में ये आयोजन किया गया है। ये महिला अपराधों प्रति जागरूकता विषय का सेमिनार है। इसमें सभी बच्चों को, समाज से रिलेटेड जो NGOs हैं या चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं या महिला अपराधों से रिलेटेड लोग हैं, इस कार्यक्रम में बुलाकर पुलिसकर्मियों को साथ में एक संवाद रख कर जागरूक करना, इसका एक उद्देश्य है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है और सब लोग जब मिलजुल कर काम करेंगे तभी इस समस्या का हल होगा और पुलिसकर्मियों की सहभागिता इसमें रही तो बहुत ही अच्छा है। मुझे आशा है कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। गांधी आश्रम में स्वचिकित्सा शिविर के माध्यम से जहां सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रोगों से लड़ने की बात बताई जाती है, उसका विधि विधान तैयार किया जाता है, तो वहीं रात में गांधी आश्रम में बने मंच के माध्यम से लोगों का भरपूर मनोरंजन भी होता है। इस दौरान यहां पर सीधी के इंद्रावती नाट्य समिति के कलाकारों द्वारा
शुक्रवार की रात नरकासुर नाटक का मंचन किया गया है। इस मंचन के माध्यम से जहां बघेली लोक संगीत लोक शैली का भरपूर यूज हुआ, तो वहीं दूसरी ओर कलाकारों ने अपने अभिनय प्रतिभा के दम पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस नाटक का निर्देशन नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया, वे इस नाटक में प्रमुख भूमिका भी निभा रहे थे। वहीं अन्य सहयोगी साथियों के रूप में रोशनी प्रसाद मिश्रा के अलावा पूरी टीम शामिल रही, जिसने अपना योगदान दिया और नाटक को बेहतर बनाने में मदद की। दौरान CGM संजय कुमार जैन, महर्षि विद्यामंडल के प्राचार्य CK शर्मा, पर्यावरणविद भारतेंदु प्रकाश, गांधी आश्रम के संजय सिंह, दमयंती पाणी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भवानी डीजे साउंड चेक आल्बम के लोग पार नहीं करते, या तो डोली पर चढ़ के पार करते थे या घोड़े से। अभी भी बहुत सारे लोग जो मानते हैं वो पार नहीं करते, लेकिन सवर्ण जाति के लोग बाकी लोग पार करते हैं, और वो सवर्ण जाति के लोग उससे जो मछली वगैरह होती वो भी नहीं खाते। हमारे यहाँ के पंडित केदारनाथ शुक्ला जी विधायक हैं, बड़े विद्वान विधायक हैं, उन्होंने ये कहानी जब सुनाई तो हम लोगों ने कहा शोध किया जाए, और जाके नरकुई गए उस जगह पे, और जहाँ से निकलता है वो कूड़ा कहते हैं जिससे रक्त से नरकासुर के निकला था, वो देखा और वहाँ की पहाड़ देखी, और जो कैमूर पर्वत है हमारे यहाँ विंध्य में कल में आता है वो भी अलग से कैमूर है, उसका नाम कहते हैं कि नरकासुर का जो सेनापति था मूर, जो इसने कैरेक्टर किया था राजा ने, उसके नाम पर पड़ा कैमूर। और सिंगरौली के पास एक मोरवा जगह है जो मूर की बहन मौरवी के नाम पर पड़ा है, मोरवा बदल कर बाद में हो गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। 3 तारीख की रात में नौशाद खान नाम के एक युवक की लाश श्रीवास्तव नर्सिंग होम के पास पाई गई थी। उसके बाद पुलिस इस खुलासे में लगी थी, तभी CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस ने इस मामले में राजीव उर्फ राजू सेन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लाठी और पत्थरों से हमला कर उसको मारा गया था और प्रॉपर्टी का विवाद आपस में चलता था। मकान के विवाद के बाद राजीव ने यह कदम उठाया। दिनांक 3 को 11:45 के लिए फोन आया कि वहाँ पुरानी गैस एजेंसी के पीछे एक ज्ञात लाश डली है, उस जो नाली में डली है उस पर से वहाँ पहुँचे तो देखा वो लाश डली थी, उस पर से उस पर पत्थर पड़ा हुआ था। तभी तत्काल CSP साहब को FSL अधिकारी को बुलाया गया, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा करी, उसे मार्ग कायम करके उसकी जांच की गई। जांच के दौरान ये पाया गया कि जो मृतक नौशाद था और उसका पड़ोसी राजीव सेन, उसमें कुछ विवाद पुराना था। जो फुटेज CCTV फुटेज के आधार पे और एक गाड़ी जो वहाँ खड़ी हुई थी जिन्होंने पूरी घटना देखी है उनको टेस्ट आउट किया, तो उन साक्षियों से पूछताछ करी और CCTV फुटेज के आधार पर वो PM रिपोर्ट के आधार पर ये मर्डर होना पाया गया, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके इसको गिरफ्तार किया गया। महर्षि विद्या मंदिर में विज्ञान मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों ने विभिन्न मॉडल्स बनाए और प्रदर्शित किए। इस मौके पर पेरेंट्स भी अपने बच्चों के बनाए हुए इन मॉडल्स को देखने को पहुंचे और सराहना भी बच्चों को मिली। आज महर्षि विद्या मंदिर में क्लासेस नर्सरी टू 6 तक का साइंस एग्जीबिशन और चिल्ड्रंस फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया है,
उसमें बच्चों ने एनर्जी, हीट, पॉल्यूशन, स्मार्ट सिटीज़ और भी इनोवेटिव मॉडल्स और चार्ट्स फंक्शनल और अनफंक्शनल बनाए हैं। बच्चों के साथ में पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, उसके लिए मैं अपने अभिभावकों को और अपने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का समय साइंस टेक्नोलॉजी का है, आज का समय इनोवेशन का है, आज का समय कुछ नया करने का है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे भी नया करके अपने को बहुत ऊँचाई पर ले जाएँ और हमारे समाज और राष्ट्र को ऊँचाई पर ले जाएँ। ये बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे मिलके बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से इसको मतलब सजाया और अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बस स्टैंड में डीलक्स लॉज के सामने एक दफ्तर में कुछ लोगों द्वारा हवाई फायर कर दहशत फैलाई गई, उसके बाद ये लोग रफू चक्कर हो गए। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज के आधार पर जानकारी मिली कि तीन लोग बाइक में सवार थे, वे आकर रुके और उन्होंने फायर किया और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो गए। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर एजाज खान ने बताया कि एक बाइक में मोनू पायलट, तालिब और शहबाज थे जिन्होंने गोली चलाई है। नारायण रोड पर डीलक्स लॉज के सामने वहाँ प्रॉपर्टी का ऑफिस है, हाँ। वहाँ पे हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो फट से आवाज़ी, हम गोली की आवाज़ी, हम लोग बाहर आए, देखा तो तालिब, मोनू पायलट और शहबाज तीन लोग गाड़ी में बैठे हुए थे जिसमें से उसने क्या नाम तालिब ने गोली मारी, तो हमें शटर के ऊपर गोली लग गई, गोली चलाते हुए वो लोग भाग गए। गोली चलाने की वारदात क्या सीसीटीवी में भी है? क्या सीसीटीवी में आई हुई है पूरी वीडियो? अब 19 तारीख को मनकारी के वीरेंद्र रजक नाम के एक युवक का मर्डर हो गया था, उसके बाद इस हत्या में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी अभी भी फरार है जो कि पीड़ित पक्ष के परिजनों को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से परिजनों और गांव के लगभग 20-25 लोगों ने मुलाकात की और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। चलो दो अपराधी तो पकड़ चुके, अब पप्पू राजा को नहीं पकड़ा है, अपने पकड़ रहे हैं, हम हर बार जाते हैं, क्या कहते हैं कि बस दो चार दिन में मिल जाएगा, ना तो कुछ माने पावती दे रहे हमको कोनो चीज की, हमें समस्या है, माने हमारे दरवाजे पे आओ तो मैं धमकी दे के बोले अभी तो बीरन को मारा है। भाई का मर्डर हो गया था, ठीक है, जिसमें दो आरोपी पकड़े गए, तीसरा आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया और दिन प्रतिदिन रात में फायरिंग करते हैं और गालियां गलौज करते हैं, गेट को दफर को डालते हैं, गेट खोलो और धमकियाँ दी जा रही जान से मारने। गुड़गांव से अमानगंज जाने वाली बस में एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई, बाद में पुलिस को फोन किया गया, पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि युवक अमानगंज के पास किसी गांव का रहने वाला है। जयमा शारदा ट्रेवल्स की बस जैसे ही रुकी और पूरी सवारियां उसमें से उतर गई, लेकिन एक शख्स अभी भी सीट पर बेसुध पड़ा था। कंडक्टर ने जब जाकर देखा तो पता चला कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसकी पहचान 25 वर्षीय सुनील कुमार बंसल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि अमानगंज के गांव का निवासी सुनील कुमार लगभग 6 महीने पहले गुड़गांव मजदूरी करने गया था। आशंका जताई जा रही है कि बीमारी या ठंड की वजह से उसकी मौत हुई है। अभी सवेरे फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बस आती है दिल्ली से, उसमें एक आदमी मृत पाया और फिर से आगे वहाँ जांच की गई, जांच में उसकी तलाशी ली गई तो तलाशी में उसका आधार कार्ड मिला जो सुनील उर्फ पन्नू बंसल नोएडा का लिखा है। फिर और पता तो ये अमानगंज के पास 11 गांव का वहाँ का रहने वाला था, उससे उसका मर कायम का जांच की जा रही है। भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि 12 तारीख को एक निशुल्क नेत्र शिविर लगाया जा रहा है जो कि खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए होगा। गौरतलब है कि डायबिटीज के बाद सबसे ज्यादा असर आंखों पर भी पड़ता है और डायबिटीज के मरीजों को इस शिविर में निःशुल्क लाभ मिलेगा। ये शिविर संगम वाटिका में लगाया जा रहा है। आज भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई की आज बैठक की गई है, इसका मुख्य एजेंडा आज ये था कि 12 तारीख को शहीद बाबू गेन बलिदान दिवस को आज हम सभी लोग सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और इस दिवस में नेत्र परीक्षण शिविर लगाया जाएगा जो खास तौर से शुगर के मरीजों के लिए होगा। डॉक्टरों का ये मानना है कि शुगर के मरीजों में सबसे ज़्यादा प्रभाव आँखों पर पड़ता है और आँखें उनकी ख़राब होने का खतरा रहता है, तो उसके लिए सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से रेटिना के स्पेशल डॉक्टर
संगम वाटिका मैरिज हाउस में आ रहे हैं और ये 9 बजे सुबह प्रारंभ हो जाएगा और ये 1 बजे तक चलेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हुआ कार्यक्रम का आयोजन। 3 माह तक पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और एनजीओ के साथ मिलकर बनाई जाएगी योजना। गांधी आश्रम के स्वचिकित्सा शिविर में सांध्यकालीन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को हुआ नरकासुर का नाट्य मंचन। सीधी से आए हुए इंद्रावती नाट्य समिति के कलाकारों द्वारा किया गया भव्य मंचन। सिटी कोतवाली पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। 3 तारीख की रात नौशाद खान की लाठी और पत्थरों से हमला कर की गई थी हत्या। महर्षि स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 6 तक के बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न आकर्षक विज्ञान मॉडल।